हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएल ऑनर्स। तो कॉस्ट का पेपर मैं होप करती हूँ कि आपका बहुत अच्छा गया होगा, या फिर अगर आपका अच्छा नहीं भी गया है, मीडियम अच्छा गया है, तो जो भी हो गया है वो हो चुका है। अब उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, उस पेपर को साइड में रखो ऐसी जगह कि वो आपको भी ना मिले। और अब हम बात करने वाले हैं टेक्स के पेपर के बारे में, जिसकी सभी लोगों को टेंशन होगी कहीं ना कहीं। और फाइनली अब वो दिन आ चुका है कि हमको उसकी प्रिपरेशन करनी है इन सिर्फ लिमिटेड 1.5 डेज में। तो मैं आपको अश्योर करती हूँ कि अगर आपने अपने सिर्फ ये 10 मिनट मुझे दे दिए ना, तो मैं आपको अश्योर कर रही हूँ कि आपके 60 नंबर, मैं मिनिमम बोल रही हूँ ये, कि आपको इतने नंबर मिनिमम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे ज़्यादा फिर आपके ऊपर है वो कि आप कितना स्कोर कर सकते हो। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए हम स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं फटाफट से। तो आज का दिन आपके पास बचा हुआ है, अभी रिमेनिंग कॉस्ट का पेपर दे के आए हो, अभी रिमेनिंग डे आपके पास बचा हुआ है और अगला दिन आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बोलती हूँ कि सबसे पहले ना हमको डीटी उठाना ही नहीं है, आप सभी लोग जो है आईडीटी उठाना इस रिमेनिंग टाइम में, लाइक 5 to 8 आवर्स तक आपको मिल जाएंगे आराम से। तो इस टाइम में आपको जीएसटी करना है, और आराम से जो है ना जीएसटी इस टाइम में हो सकता है तो पूरा जीएसटी इस टाइम में कंप्लीट करके रख देना। तो 30 से 35 मार्क्स तो आपके यहाँ पे ही अश्योर हो जाएंगे, क्योंकि इतने टाइम से लाइक ऑब्जर्व मैं कर रही हूँ कि जीएसटी का पेपर इतना टफ नहीं आता है। नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे हाई फाई लेवल के क्वेश्चंस जीएसटी में नहीं पूछे जाते स्पेशली, कि यार बिल्कुल हमसे बन ही नहीं रहे, नॉर्मल लेवल पे ही वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जीएसटी में आप 30 से 35 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। तो ये आप कर लेना तो आपको एक वो हो जाएगी कि यार चलो 35 मार्क्स जीता तो हमने प्रिपेयर कर ही लिया है। अभी उसके बाद जब आप पेपर में जाओ ना, तो वहाँ पर भी आप जीएसटी पहले करना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अच्छा सा। जीएसटी में भी आप ये चैप्टर्स जो है थोड़ा पहले कर लेना, जैसे कि सप्लाई हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यूएशन वाला एक चैप्टर है वो, और टाइम ऑफ सप्लाई है एक, तो ये आईटीसी, ये वाले चैप्टर्स जो है ना ये पहले कर लेना, उसके बाद में दूसरे चैप्टर्स करना, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि फिर रिमेनिंग डे में आप डीटी करोगे जैसे, तो डीटी में भी ये वाले हेड्स जो है जो मैं बता रही हूँ ये पहले करना, जैसे कि सैलरी और एचपी, उसके बाद फिर अदर सोर्सेस, उसके बाद पीजीबीपी और कैपिटल गेन। तो ये आपकी सीक्वेंस रहनी चाहिए, ये सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर मैंने डिसाइड करी है, क्योंकि सैलरी और एचपी देखो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, इसका मार्क्स कवरेज भी अच्छा रहता है। अदर सोर्सेस का मार्क्स कवरेज कम रहता है थोड़ा कंपेरेटिवली, बट वो चैप्टर भी छोटा है। उसके बाद पीजीबीपी और कैपिटल गेन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसमें टाइम लगता है, तो ये थोड़ा लास्ट में लेना, यानी कि आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाए। इतने 5 हेड्स, सो ये 500 हेड्स करने के बाद अब आपको चैप्टर्स करने हैं टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स डिडक्शन वाला चैप्टर। ये सब अगर आपका हो जाएगा ना, तो आप एक ऐसे पोर्शन पे आ जाओगे कि यार ये पोर्शन करके आप आराम से 60 नंबर तक तो कहीं नहीं गए, 60 से 80 नंबर तक आप इसमें स्कोर कर लोगे टैक्स वाले पोर्शन में। तो अब बात आती है कि मैं आपको कुछ रिमेनिंग वीडियो में टिप्स दूंगी, ये टिप्स जो है अगर आपने इन सारे टिप्स को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो फर्स्ट टिप मेरी ये रहेगी कि यार वर्किंग नोट्स जो रहते हैं ना डीटी में, वो हमको लगता है कि हम बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते होंगे कि यार ये तो नहीं बन पाएंगे। वर्किंग नोट्स मतलब रहता है कि रफ वर्क को अच्छी लाइक फेयर वर्क की तरह प्रेजेंट करना। तो ज़रूरी नहीं है कि मॉड्यूल में या फिर आपने जहाँ से करा हो बिल्कुल एज इट इज़ आप उसको बना रहे हो, अपने ओन वर्ड्स में भी आप वर्किंग नोट्स को बना सकते हो। बस उसका प्रेजेंटेशन जो एकदम क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कि एग्जामिनर को एकदम देखते से ही समझ आ जाए। जो आपका पेपर चेक कर रहा है ना उसके लिए बहुत ईजी कर देना आप उसको समझना। तो डेफिनेटली ये वर्किंग नोट्स हो गए, एज इट इज़ कॉपी करना कोई वर्किंग नोट्स नहीं है। उसके बाद मैं आपको सेकेंड टिप देना चाहूँगी कि प्लीज़ इस टाइम पर कोई भी नया पोर्शन मत उठाना, सब्सटेंशियल नया पोर्शन। मतलब अगर आप एक दो लाइक सेक्शंस देख रहे हो छोटे, जो आपको लग रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट आ सकता है, तो इट्स फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने एक बहुत ही बड़ा पोर्शन ऐसा कोई उठा लिया जो आपने पहले अभी तक देखा नहीं है, और अभी अगर आप उसको एग्जाम टाइम पे कर रहे हो, तो ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो टाइम बहुत लिमिटेड है, ऑलरेडी जितना करा हुआ पोर्शन है ना उसको रिवाइज कर लो, वो ही काफ़ी है। नया उठाओगे तो कॉन्फिडेंस कम होगा और फिर आपको नेगेटिविटी या डिमोटिवेशन ये सब चीज़ें आने लग जाएगी। तो नया पोर्शन उठा के भी कोई मतलब नहीं है, जितना पहले से कर रखा ना उतना रिवाइज कर लो, उतना बहुत है, मैंने जो चैप्टर्स बताए हैं वो कर लो। उसके बाद नेक्स्ट टिप मैं आपको बोलना चाहती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप मार्किंग के बारे में।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पांच हेड्स नहीं करते हैं। पर्सनली मैंने भी पांच हेड्स अच्छे से नहीं करे थे। एक हेड लाइक पीजीपीपी में मैंने कुछ पोर्शन जो है वो छोड़ रखा था। कैपिटल गेन का भी थोड़ा पोर्शन मैंने छोड़ा था क्योंकि ये काफ़ी बड़े चैप्टर्स होते हैं। तो फिर हमको लगता है कि यार अगर ये पोर्शन हमने छोड़ दिया है या फिर हमने कोई पार्ट छोड़ दिया तो अगर टोटल इनकम का जो क्वेश्चन आएगा वो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो गाइज इस पेपर की सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस पेपर का जो सिस्टम रहता है ना वो क्या रहता है कि यहाँ पर आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। आपको जो आता है क्वेश्चन में अगर आपसे एक पॉइंट भी आता है ना आपको उस क्वेश्चन का तो वो भी आप लिख के आओ, क्योंकि हर लाइक जो चेकर रहेगा ना उसके पास हर उस पर लिखा रहता है कि अगर यह आंसर आया ये स्टेप लिखी तो इसके इतने नंबर। तो अगर आपने वो स्टेप लिखी है तो डेफिनेटली आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ करा हो उसके बाद ही आप टोटल इनकम का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको उस टोटल इनकम के क्वेश्चन में अपने पांच हेड्स में से अगर तीन हेड करे तो वो तीन हेड को सॉल्व कर दो। अगर आपने उसमें डिडक्शन करा है तो वो डिडक्शन वाला पॉइंट आप लिख सकते हो। तो आप जो भी लिखोगे ना उसके जितने भी नंबर अलोकेटेड होंगे उसकी अपने सजेस्टेड आईसीआई सॉल्यूशन शीट के हिसाब से वो आपको नंबर जो है डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो आपको जितना भी आता हो उतना अच्छी तरीके से आप लिख के आ जाना, जो नहीं आता हो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि MCQs हमको समझ नहीं आता अधिकतर टाइम कि हम पहले करें कि बाद में करें, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन सा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको सिक्वेंस बता देती हूँ कि आपको पेपर किस सिक्वेंस में सॉल्व करना चाहिए। आइडियली टेक्स का पेपर हमेशा से देखा गया, मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट एक ये हकीकत है थोड़ा सा हमको टफ लगता है बाकी सारे पेपर्स के करते, बट इसको हैंडल करना आना चाहिए। देखो मैंने इतना कम पोर्शन करा था उसके बाद भी मैंने टेक्स के पेपर को इस तरह से हैंडल करा था कि मुझे टेक्स का पेपर करते टाइम भी डिमोटिवेशन नहीं और बाद में भी ऐसा नहीं था कि यार बहुत बेकार गया है। बाकी जिन बच्चों ने पूरा पूरा पोर्शन कर रखा था, कोर्स कर रखा था, उनको भी कहीं ना कहीं वो डर लग रहा था कि यार नहीं हो पाएगा क्लियर, क्योंकि उनकी पेपर को अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रेटेजी थी वो सही नहीं थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि GST का जो पोर्शन रहता है ना वो पेपर में सबसे पहले अटेम्प्ट कर देना। उससे क्या होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा सबसे पहले। तो क्या मतलब आपने 40 नंबर का तक क्या स्कोर कर लिया है, इसमें से 35 नंबर तो हमारे कहीं नहीं गए, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि पास होने के लिए हमको सिर्फ 5 से 10 नंबर और चाहिए। नेक्स्ट फिर आप क्या करना कि DT स्टार्ट करना। DT के जब आप एक दो क्वेश्चंस करोगे ना तो हो सकता है कि आपसे वो बने नहीं और आपको बीच में ऐसा लगने लग जाए कि यार नहीं हो रहा है हमसे, हम ब्लैंक आउट हो रहे हैं एकदम से एग्जाम टाइम पे। तो अब ये सही टाइम है MCQs लेने का, क्योंकि अब MCQs जो रहते हैं ना वो हमारे कॉन्फिडेंस को वापस से बढ़ाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि यार MCQs में अगर 5 से 10 नंबर भी अगर हमारे आ जाते हैं तो हम पास तो कहीं नहीं रह गए, मतलब पास तो डेफिनेटली हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर जब आप DT का पेपर स्टार्ट कर दो तो 2-3 क्वेश्चन के बाद जब आपको थोड़ा ऐसा लगने लग जाए कि यार क्वेश्चन थोड़े से टफ जा रहे हैं तो तब आप MCQs लेना और फिर MCQs करने के बाद अगेन आपका DT का पेपर सॉल्व करने लग जाना। तो ये आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका भले आपने कितना भी पोर्शन करा हो जो भी हो चाहे, बट कैसे भी करके आप टाइम मैनेज करके अपना पूरा 100 मार्क्स का पेपर ज़रूर अटेम्प्ट करके आना। क्योंकि टेक्स के पेपर में ऐसा देखा गया है कि अधिकतर है ना छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती है या फिर कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं ना वो थोड़े से गलत प्रिंट हो जाते हैं, तो उसमें ICAI क्या करता है फिर, क्योंकि करेक्शन का कोई स्कोप नहीं रहता है पेपर के टाइम पर, ठीक है, एक बार जो पेपर प्रिंट होकर आ गया वो तो आ गया, तो उसमें ICAI क्या करता है फिर ग्रेस मार्क्स देता है उन सारे बच्चों को जिसने वो क्वेश्चन या फिर वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो अटेम्प्ट करा है। तो जितने भी क्वेश्चन है उसके सब पार्ट्स जो भी दे रखे वो सारे आप अटेम्प्ट करके आ जाओ। अटेम्प्ट से बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अटेम्प्ट मतलब कैसे करें जब आता ही नहीं है। मैं गाइस आपको सिर्फ इतना बोलना चाह रही हूँ कि आप अटेम्प्ट करो, मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि सॉल्व करो पूरा। अटेम्प्ट करने का मतलब एक दो वर्ड्स लिख दो, कुछ भी ऐसा कर दो जिससे वो क्वेश्चन आपका अटेम्प्टेड माना जाए। तो आप अगर ऐसा कुछ भी कर देते हो ना तो वो क्वेश्चन अटेम्प्टेड माना जाता है। तो एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो आप सारे क्वेश्चंस जो वो अटेम्प्ट करके आना, यानी कि जो छोटे छोटे से हमारे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं ना ये एटलीस्ट एलिमिनेट हो सके कि यार इसके हमको रिस्क नहीं है। अगर ICAI ग्रेस मार्क्स देगी तो डेफिनेटली हमको भी वो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो हमको वो सारी चीज़ें एग्जाम में करके आनी है जिसकी वजह से कम मेहनत में या फिर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत जो भी हो, मेहनत हमने हमारी तरफ से पूरी कर ली है, हमको अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो मिल पाए। अगर ये टेक्स का पेपर आपका अच्छे से चले गया ना तो आपका ग्रुप वन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एक पड़ाव जो है आपका एक स्टेज जो है वो पार हो जाएगी आपकी और अब आप दूसरी स्टेज में एंटर कर जाओगे ग्रुप 2 के। तो इसमें अपना गाइस बेस्ट दे दो। पेपर जो है मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट ये इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और लास्ट में मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोगों को टेंशन होती है कि सेक्शंस हमको याद नहीं हो रहे हैं,
जीएसटी के अलग सेक्शन है, डीटी के अलग प्रोविजंस वगैरह है, हमको याद नहीं हुआ कुछ भी, सेक्शन नंबर वगैरह कुछ भी याद नहीं है। तो मैं इतना आपको बता देना चाहती हूँ कि मुझे भी याद नहीं थे, मैंने भी वहाँ पे पेपर में कोई सेक्शन कोई प्रोविजन लिख के मैं कोट करके नहीं आई हूँ, बट आईसीआई उसके नंबर नहीं काटता है, इतना मुझ पर विश्वास रख सकते हो। आईसीआई आपके नंबर सेक्शंस नहीं लिखने के नहीं कट करने वाला, बट अगर आपने गलत सेक्शंस या प्रोविजंस कोट करा ना तो डेफिनेटली आपके नंबर काट सकते हैं। तो सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान रखो कि अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट गलत मत कोट करके आना एटलीस्ट। उसके बाद अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहे तो मुझसे अपनी मेरी इंस्टा आईडी पे भी पूछ सकते हैं जिसका नाम है सीए लर्नर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।